नमस्कार, मैं वास्तु। आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल। और यार, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मूवमेंट बुक का चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन अलसामा, जिसे लिखा है हर्ष मंडेल ने। तो ये चैप्टर है एक कैरेक्टर प्रशांत के ऊपर, जो इस चैप्टर को नरेट किए हैं। इस चैप्टर में बात की गई है 27 अक्टूबर 1999 में ओडिशा में आए हुए सुपर साइक्लोन के बारे में, जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे प्रशांत अपने और अपने पूरे विलेज को इस सुपर साइक्लोन से बचाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं ये बात है 27 अक्टूबर 1999 की, जब प्रशांत अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के घर अलसामा में अपनी एक दिन की छुट्टी सेलिब्रेट करने जाते हैं। वो दिन बहुत ही खूबसूरत जा रहा था, लेकिन शाम को एक बहुत ही बुरी खबर आती है। उन्हें पता चलता है बे ऑफ बंगाल में एक बहुत बड़ा तूफान आया है, और जल्द ही अलसामा में हवाएं 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगती हैं, और कुछ ही मिनटों में पानी कंधे तक आ जाता है। प्रशांत के दोस्त का घर तो सेफ था, क्योंकि वो ब्रिक्स और सीमेंट के बहुत ही हार्ड कॉम्बिनेशन से बना था, लेकिन शायद गाँव के सारे लोग इतने खुशनसीब नहीं थे। प्रशांत अपने दोस्त के घर के आसपास देखते हैं तो सारे लोगों का घर टूट चुका था। गांव के बहुत पुराने पुराने पेड़ अपने जड़ से उखड़ के पानी में तैर रहे थे। चारों तरफ लोगों की डेड बॉडीज तैर रही थी, एनिमल्स की आवाजें आ रही थी, और कुछ ही मिनटों में प्रशांत और उनके दोस्त को भी अपने घर से बाहर निकल के छत में चढ़ना पड़ जाता है। एक तरफ तो हवाएं 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, और वहीं दूसरी तरफ पानी कंधे तक भराया था। और ये केवल कुछ मिनटों के लिए नहीं था, अगले 36 घंटे तक यूं ही पानी का लेवल लगातार बढ़ता रहा, और अगले 36 साल तक कुछ यही कंडीशन रही। और अगले 36 साल तक प्रशांत, उनके दोस्त और उनके दोस्त के फैमिली मेंबर केवल कुछ ग्रीन कोकोनट से अपनी लाइफ चलाते हैं, जो उन्होंने उनके घर के ऊपर गिरे कोकोनट ट्री से तोड़े थे। प्रशांत 12 आवर का इंतजार और करते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने घर अपने गाँव की तरफ निकलेंगे, जो 18 किलोमीटर दूर है। बेशक ये फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि सड़कें पानी में डूबी थी और दूर दूर तक केवल और केवल पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने फैमिली के पास जाएंगे, क्योंकि जैसे वो आज से 7 साल पहले अपनी मॉम को ऐसे ही एक साइक्लोन में खो दिए थे, वो किसी और फैमिली मेंबर को खोना नहीं चाहते थे। वापस जाते हुए उन्हें उनके गांव के दो और मेंबर दिखते हैं, और वो तीनों एक साथ निकल पड़ते हैं अपनी गाँव की ओर। रास्ते में उन्हें लोगों की डेड बॉडीज हटानी पड़ रही थी, एनिमल्स की बॉडीज हटानी पड़ रही थी। वो एक बड़ी सी स्टिक लेते हैं, जिसकी मदद से वो रोड को एलोकेट कर रहे थे, और फिर उसी के सहारे वो अपने गांव की तरफ वो 18 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। पर जैसे ही वो अपने गांव पहुंचते हैं, वो देखते हैं उनके गांव में एक भी घर सीधा खड़ा नहीं है। वो अपने घर को देखते हैं तो उनका घर पूरी तरीके से एक पेड़ के नीचे दबा हुआ था, और वहां कोई भी नहीं था। जब प्रशांत गांव पहुंचते हैं तो वहां उन्हें लोगों की डेड बॉडीज के अलावा कुछ भी नहीं दिख रही थी। लेकिन प्रशांत हिम्मत नहीं हारते हैं, और वो रेड क्रॉस शेल्टर की ओर बढ़ पड़ते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को खोजने। तो यह रेड क्रॉस शेल्टर गवर्नमेंट और एनजीओ, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही पावरफुल कॉन्क्रीट और स्टोन का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं। और वो इतना पावरफुल होता है कि वो बहुत बड़े बड़े साइक्लोन और सुनामी से भी अपने आप को रजिस्ट कर सकता है। प्रशांत कुछ ही देर में रेड क्रॉस शेल्टर पहुंच जाते हैं, और वो जिस सबसे पहले इंसान को अपने फैमिली के देखते हैं, वो थी उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब उनकी नानी, जिन्हें देख के वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जल्दी ही वो देखते हैं कि उनके आसपास उनके फैमिली के सारे मेंबर खड़े हैं। उनकी आंटी, उनकी बहन, उनके भाई सारे के सारे ठीक हैं। वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनके फैमिली मेंबर में कोई भी साइक्लोन के चपेट में नहीं आया। लेकिन उन्हें पता चलता है गांव के 85 लोग उस सुनामी में मारे गए। अब उस सुनामी को आए हुए 4 दिन हो चुके थे, और फाइनली उन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखता है, जो उनके पास कुछ पार्सल सेंड करता है, जिसमें कुछ राशन और उनकी बेसिक नेसेसिटी की चीजें थी। और फाइनली वो 4 दिन बाद कुछ खाते हैं। वो सोचते थे कि हेलीकॉप्टर वापस आएगा और वो दोबारा पार्सल सेंड करेगा, क्योंकि वो सामान बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में सेंड किया था, लेकिन वो वापस नहीं आता है। और फिर 19 ईयर ओल्ड प्रशांत ये तय करते हैं कि वो अपने ही जैसे कुछ यूथ लोगों को इकट्ठा करेंगे, और वहाँ के रिच मर्चेंट्स के पास जाएंगे, जिनके पास राइस का बहुत ज्यादा कलेक्शन है, और उनसे कुछ खाने की डिमांड करेंगे। वो शेल्टर में रह रहे 2500 लोगों में से सारे यूथ लोगों को कलेक्ट करते हैं और मर्चेंट के पास जाते हैं, और फाइनली बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट के बाद वो मर्चेंट मान जाते हैं राइस देने के लिए। वो बहुत मुश्किल से राइस को शेल्टर तक लाते हैं, और उस गीली लकड़ी में किसी तरीके से आग जलाते हैं, और फाइनली राइस पकाते हैं। उस राइस को खाते समय किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो राइस खराब हो गया है या सड़ने वाला है।
लेकिन अगले दो दिनों में वो राइस भी खत्म हो जाता है और अब उनके पास हेलीकॉप्टर से आ रहे खाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था उनका पेट भरने का। लेकिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के द्वारा आ रहा खाना सफिशियंट नहीं था 2500 लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए। और प्रशांत एक आइडिया देते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि वो बाहर निकल जाएं, सैंड में लेटें और अपने पेट में कुछ खाली बर्तन रख के सो जाएं, जिनसे हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को ये पता चल जाए कि यहाँ पे लोग भूखे हैं। और कुछ ही देर में ये मैसेज उन तक पहुँच भी गया। जैसे ही वो देखते हैं कि लोगों के पेट के ऊपर खाली प्लेट्स रखी हुई हैं, वो जल्दी से जल्दी बार बार वहाँ पे खाना पहुँचाते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम केवल और केवल खाने की नहीं थी, यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा चोटें आई थी, बहुत सारे लोगों ने अपने अपनों को खोया था। अब उस साइक्लोन को आए हुए 6 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी भी पानी उसी तरीके से भरा था और वो लोगों के चेहरे में सैडनेस एकदम साफ साफ देख सकते थे। अपने आसपास की उस हालातों को देखते हुए प्रशांत ये डिसाइड करते हैं कि वो केवल और केवल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। और वो जो 2500 लोग उस शेल्टर में रुके थे, वो उन्हें कहते हैं कि वो ऑर्फन्स बच्चे और विडोज के लिए टेंट स्ट्रेच करें, सारी के सारी वुमेन्स और बच्चे वहीं पे रुकते हैं और बाकी सारे मेंस की ये ड्यूटी होती है कि वो खाना खोज के लाएं और उन 2500 लोगों में से जितने भी बच्चे थे और जितने भी वुमेन्स थे उनका पेट भरें, जिससे सारे के सारे मेंस बिजी हो जाते हैं, सारी के सारे वुमेन्स बच्चों की देखभाल करने में लग जाती हैं और धीरे धीरे जिंदगी वापस स्टार्ट होने लगती है। और हाँ, ऑर्फन्स मतलब होता है वैसे बच्चे जिन्होंने अपने एक या दोनों के दोनों पेरेंट्स को खो दिया हो, और विडोज मतलब होता है वो वुमेन्स जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया हो। और जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, प्रशांत उस वुमेन्स को भी कहते हैं कि वो एनजीओ में फूड फॉर वर्क के लिए काम करें। फूड फॉर वर्क मतलब होता है आप काम करो तो आपको खाना दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे एनजीओज होते हैं, एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो साइक्लोन प्रोन एरिया में लोगों को सफाई करने के बदले खाना देते हैं। और तो और वो बच्चों के लिए क्रिकेट भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिससे बच्चों का मन कहीं और लगे। और तो और जब फाइनली साइक्लोन चले जाता है और गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो ऑर्फन्स बच्चे और विडोज वुमेन्स के लिए कुछ नए इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, तो वो इसका भी अपोज करते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशन अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये दोनों एक साथ रहें तो ये और ज्यादा अच्छा होगा, जहां ऑर्फन्स बच्चों को मदर लव मिल जाएगा और वहीं वुमेन्स को जीने का एक नया सहारा। तो यार, इस स्टोरी में प्रशांत ने हमें ये मोराल देने की कोशिश की है कि अगर आप अपने गम को भूल के दूसरों के लिए काम करो तो आपको अपना खुद का दर्द महसूस ही नहीं होता है। तो यार, बस यहीं पे खत्म होता है ये चैप्टर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बेशक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा उसे नॉक करके बेल भी प्रेस कर देना, जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।